हेलो ऑल, वेलकम टू विजडम जॉब्स। तो आज देखते हैं हम फटाफट इंग्लिश में क्या सीखने वाले हैं। ये है आपका नया सवाल जो कि बहुत ही दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है कि ये सारे कितने सारे ऑप्शंस हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस समझना और ये क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान है, मुझे ट्रस्ट कीजिएगा, बहुत ही बहुत आसान है। हम मैं और भी सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जो इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चन को समझिएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन को 5 विभाग में बांट दिए हैं, एक एक विभाग एक एक मीनिंग के बारे में बोलता है। तो बेसिकली आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है, इन जैसे क्वेश्चन को आप एक एक पार्ट को पढ़िएगा, एक एक पार्ट में कोई कुछ क्वेश्चंस में कुछ एरर्स रहते हैं, एक एक पार्ट में कोई एरर रहता है तो उन एरर को निकालना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, और जो भी पार्ट में एरर है वही आपका ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। और अगर कोई भी एरर मिला ही नहीं तो आप यहाँ पे नो एरर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। तो बेसिकली ये पूरा आपका एक सेंटेंस है, देख लीजिए, ये पूरा आपका एक सेंटेंस है और आपका फिफ्थ नंबर ऑप्शन है ये नो एरर। तो ये आपका फिफ्थ नंबर ऑप्शन है, लैक ऑफ एबिलिटी आपका फर्स्ट ऑप्शन है, रीड और राइट इज जस्ट वन दूसरा ऑप्शन है, द ऑल बैरियर्स दैट कीप तीसरा ऑप्शन है, द पुअर पीपल अंडर डेवलप आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो चलिए एक एक पार्ट को हम समझते हैं, इनका मीनिंग समझते हैं कि अगर ये प्रॉपर ग्रामेटिकल फंक्शन में है या नहीं। लैक ऑफ एबिलिटी टू, ये ठीक है, रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ, ये भी ठीक है, द ऑल बैरियर्स दैट कीप, ये थोड़ा बहुत ही ऑकवर्ड है, द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड, ये भी ठीक है। ये क्यों मैं बोली कि ये ऑकवर्ड है, क्योंकि देखिए रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप, यहां पे अगर आप देखते हैं बैरियर्स प्लूरल फॉर्म में है, बैरियर्स एक प्लूरल फॉर्म में है और इसके पहले सेंटेंस में वन ऑफ भी है। तो अगर इन जैसे चीज में अगर वन ऑफ या अमोंग जैसे वर्ड्स यूज करते हैं तो फिर यहां ऑल जैसे शब्द को निकाल दिया था यहां से, तो ऑल को निकाल दीजिए, तो पूरे सेंटेंसेस में अब पूरे सेंटेंसेस में चार ऑप्शंस के में हमने ऑल को निकाल दिया जो कि थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट था। तो अब पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप्ड। देखा आपने, पूरा सेंटेंस बहुत ही आसान हो गया। तो ऐसा आपको पूरा सेंटेंस को चेंज करना है, तो इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन होता है थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको इन जैसे क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना हो तो हमारे चैनल विजडम जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ भी नया चीजें के बारे में जानना हो तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में एक ही एक कॉमेंट डाल दीजिएगा। थैंक यू।